नमस्कार आदाब, मैं हूं आरुई सिंह और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव इंडिया। आइए देखते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को एटीएन एक्सप्रेस पे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा एक्स्ट्रा चांस। पीएम मोदी ने किया वैक्सीन लाभार्थियों से संवाद, हेल्थ वर्कर्स और वैज्ञानिकों को दिया टीके का क्रेडिट। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे नालंदा के दौर पर, साथ ही मखदूम साहब के मजार पर चादरपोशी करते हुए राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। ब्याह सरकारी नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गलत टिप्पणी तो अब होगी जेल। सोशल मीडिया वाली चिट्ठी पर बिहार में सियासी घमासान, तेजस्वी ने सीएम नीतीश को घोटालेबाज कहते हुए गिरफ्तारी की थी चुनौती। बिहार सरकार ने की पहल, ऑनलाइन होंगे सभी पुराने और नए जमीन रिकॉर्ड। नेफेड से एमएसपी पर चक्का, दाल की खरीद कराएगी बिहार सरकार, केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव। नीतीश सरकार ने उपेंद्र कुशवाहा को दिया बड़ा झटका, सरकार ने रालोसपा के ऑफिस को अवधि विस्तार देने से किया मना। तबियत बिगड़ने के बाद लालू के स्वास्थ्य पर डॉक्टरों की नजर, हाईकोर्ट में पैरोल के लिए याचिका पर विचार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी में गुटबाजी शुरू, नए पुराने कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, फूकी गई गाड़ियां। आईपीएस अनुराग गुप्ता अपने खिलाफ करवाना चाहते हैं सीबीआई जांच, अब नहीं रहा झारखंड पुलिस पर भरोसा। रांची में अब जमीन और माफियाओं की नहीं चलेगी दादागिरी, सरकार ने दिए कार्रवाई के निर्देश। जेपी नड्डा ने दिया मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत, यूपी के बड़े नेताओं की हिल सकती है कुर्सी। यूपी सीएम योगी ने कहा अमेरिका के मुकाबले यूपी में कोरोना पर हुआ बेहतर नियंत्रण। चुनाव के पहले मुश्किल में टीएमसी, अब ममता के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने दिया इस्तीफा, 17 दिन में ऐसा करने वाले दूसरे मंत्री। धनबाद में डिलीवरी के बाद नवजात बच्चे का मौत, परिजनों ने अस्पताल के समीप जमकर किया हंगामा। बगहा जिले में किस भी वाणी एसएसबी के द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, मौके पर लक्ष्मीपुर पंचायत की मुखिया मालती देवी रही उपस्थित। मशहूर भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन, 80 साल की उम्र में कहा दुनिया को अलविदा। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में पब्लिक हैंडलिंग वाले सभी टेंडर में ठेकेदारी लेने वाले लोगों को देना होगा चरित्र प्रमाण पत्र। तांडव वेब सीरीज के अभिनेता सैफ अली खान, लेखक और प्रोड्यूसर के खिलाफ रांची में एफआईआर हुआ दर्ज। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना अंतर्गत सेंट्रल बैंक में हुए लूटकांड मामले में पुलिस ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।